नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धवल वाघेला है। मैं फिनिक्स हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। इन सीजन में डेंगू और मलेरिया, वायरल न्यूमोनिया, ये सब कॉमनली एपिडेमिक होते हैं। अभी जो मलेरिया का एपिडेमिक है उसके बारे में हम बताता हूँ। मलेरिया के कुल चार टाइप होते हैं, उसमें पी फाल्सिपेरम मलेरिया, जिसे जेरी मलेरिया भी बोलते हैं, ये जनरली अफ्रीकन कंट्रीज में एपिडेमिक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पी वाइवेक्स मलेरिया कॉमन है। पी वाइवेक्स मलेरिया के सिम्टोम्स में जनरली पेशेंट को बुखार आता है, तेज बुखार आता है और ठंड लग के आता है। बुखार भी इंटरमीडियंट एक पीरियड के साथ, फिक्स पीरियड के साथ आता रहता है। इसके साथ बॉडी एक हेडेक, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होना, पेट में दर्द होना, ये सब सिम्टोम्स उसके साथ ही रहते हैं। मलेरिया को डायग्नोज करने के लिए लेबोरेटरी का रिपोर्ट है, जिसमें मलेरिया जांच में पकड़ में आता है। मलेरिया की ट्रीटमेंट अगर पेशेंट स्टेबल है तो ओपीडी बेस्ड एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट के साथ भी कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, उनका ओरल इंटेक मुँह से कुछ नहीं ले पाते हैं, या फिर वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है और पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, बॉडी एक, ये सब सिम्टोम्स ज़्यादा रहते हैं, तो मोस्टली ऐसे पेशेंट को एडमिट करके इंजेक्शन के फॉर्म में मलेरिया की एंटीबायोटिक दे के हाइड्रेशन मेंटेन करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मलेरिया सिंपल बीमारी नहीं है। अगर उसमें थोड़ी भी डिले हो जाए तो मलेरिया में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। मलेरिया के कारण इन्फेक्शन बढ़ जाने के कारण ब्लड प्रेशर डाउन भी हो सकता है, इसमें किडनी भी डैमेज हो सकती है, लीवर पे भी सूजन आके ब्लीडिंग हो सकता है, लीवर पे लंग भी डैमेज होता है और उसे ARDS बोलते हैं। कभी कभी मलेरिया में खींच भी आती है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टोम्स भी स्टार्ट होते हैं, जिसे सेरिब्रल मलेरिया बोलते हैं। तो इस प्रकार मलेरिया एक सिंपल बीमारी नहीं है, उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। मोस्टली मलेरिया में ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, दूसरे कॉम्प्लिकेशन में लंग के कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। आज हम सेरिब्रल मलेरिया के बारे में एक जानेंगे। हमारे यहाँ एक पेशेंट सेरिब्रल मलेरिया के साथ एडमिट हुआ, उसमें उसे फीवर, हाई ग्रेड फीवर के साथ खींच आई थी और अल्टर सेंसोरियम मीन्स जो नॉर्मल जो हमारी संभावना है वो कम हो गई थी। उसके साथ ICU में एडमिट हुए, टाइमली डायग्नोस करके एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट और सपोर्टिव ऑल ट्रीटमेंट देके वो ठीक हो के आज 5th डे पे घर पे जा रहा है। तो उसके पेरेंट्स से ही, पेशेंट के पेरेंट्स से ही उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिनिक्स हॉस्पिटल में वो जानेंगे। तो आप बताइए, आपका 5 दिन जो हमें ट्रीटमेंट लगी वो कैसी लगी? बहुत सारू लगी। सबसे पहला तो मार छोकरा ने तमे तारो करू ने ए बदल तमारो खूब खूब आभार। मु एने जे स्थिति में यहां लाई थी ए मारो मन ज जाने। ठीक, सेरिब्रल मलेरिया में पेशेंट को खींच आते हैं, इसलिए पेशेंट और उसके रिलेटिव काफ़ी घबरा जाते थे, क्योंकि पेशेंट को फीवर रखना वो कॉमन बात है, पर उसके साथ खींच आना, उसके साथ संभावना कम हो जाना, ये सब बहुत बड़ी बात है। पेशेंट आज हम ठीक होकर घर जा रहे, उसके लिए पेशेंट को भी शुभकामनाएं देते हैं। और फिनिक्स हॉस्पिटल इसे क्रिटिकल पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए कटिबद्ध है। नमस्कार।